आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सिरप्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिरप क्या होता है? सिरप एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है शुगर का वाटर में, मतलब कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे किसी भी सोल्यूशन के। मैंने बताया था वन इज़ सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज़ सॉल्वेंट। जो सिरप में हमारा सॉल्वेंट यूज़ होता है, हम लोग जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं सिरप में वो वाटर होता है, एंड जो हम लोग सॉल्यूट यूज़ करते हैं वो शुगर होती है, जैसे कि हमारी सुक्रोज हो गई। ठीक है, ये जो सुक्रोज होती है ना वो 85% कॉन्सेंट्रेशन में होती है, मतलब कि 85% कॉन्सेंट्रेशन जो होती है शुगर की, सुक्रोज की हमारे, उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या है, मतलब 85% कॉन्सेंट्रेशन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 85% वो रेजिस्ट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं हमारे सिरप में। सिरप जो होती है ना वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज़ मेडिकेटेड सिरप एंड सेकेंड वन इज़ फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है, जब सिरप में कोई भी थेरेप्यूटिक एजेंट यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप, है ना। जब सिरप में कोई भी एपीआई प्रेजेंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, कि ऐसे कोई भी केमिकल जिसकी वजह से हम लोग को ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं थेरेप्यूटिक एजेंट या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एग्जांपल्स हैं मेडिकेटेड सिरप के कफ सिरप, आयन सिरप, एंटीबायोटिक सिरप। सेकेंड वन इज़ फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप क्या होते हैं, द सिरप कंटेनिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स, मतलब कि ऐसे सिरप जिनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है, दे आर जनरली यूज्ड एज व्हीकल, मतलब उनको व्हीकल यानी कि सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके चेरी सिरप, कोका सिरप, ऑरेंज सिरप। ठीक है, तो मेडिकेटेड सिरप्स वो सिरप होती है जिनमें हमारा एपीआई या फिर जिसको हम लोग थेरेप्यूटिक एजेंट भी कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे फ्लेवर्ड सिरप्स वो सिरप्स होती हैं जिनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लेवर्ड सिरप्स होती है इनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिरप, मतलब जब भी हम लोग सिरप फॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन है शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, सोडियम सैक्रीन। सोडियम सैक्रीन जो है हमारा वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ प्योरीफाइड वाटर, थर्ड वन इज़ मेडिकामेंट। मेडिकामेंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम लोगों को सेडेटिव एक्शन चाहिए तो सेडेटिव यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोगों को फीवर है, मतलब फीवर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग अगर, ठीक है, तो हम लोग एंटीपायरेटिक मेडिकामेंट यूज़ करेंगे। अगर हम लोग सिरप को एंटी एमिटिक एक्शन के लिए फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए अगर हम लोग सिरप को फॉर्म कर रहे हैं तो हम उस सिरप में एंटी एमिटिक मेडिकामेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेटिव। तो हम लोग प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ करते हैं? प्रिजर्वेटिव जो होता है ना हमारा, वो हमारे सिरप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको मेनटेन करके रखता है, मतलब कि वो जो प्रिजर्वेटिव है वो सिरप में बैक्टीरियाज़ की या फिर कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देगा। ठीक है, उसका जो हमारा कलर है, टेक्सचर है, उन सभी चीज़ों को जो हमारा प्रिजर्वेटिव है ना वो स्टेबल रखता है। ठीक है, मतलब उनको चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव आर बेंजोइक एसिड, पैराबेंस एंड सोडियम बेंजोइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स हम लोग यूज़